हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं द्विपद का गुणनफल कैसे किया जाता है। बच्चों द्विपद किसे कहते हैं जिसमें दो पद हों। यहाँ पे आप इसमें मैंने पांच टाइप के सवाल लिए हैं। एक सवाल है आपका प्लस और माइनस वाला, एक रहेगा आपका दोनों माइनस रहेंगे, एक रहेगा आपका दशमलव में, तीसरा चौथा सवाल है आपका ए बी और वाई तीन चर रहेंगे उसमें, और एक रहेगा पाँचवा सवाल रहेगा आपका घात वाला। पांच ही टाइप के सवाल लिए दोस्तों। अब आप द्विपद का गुणनफल करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। दोस्तों अब हम करेंगे कि बहुपद द्विपद का गुणनफल। द्विपद मतलब जिसमें दो पद होते हैं, गुणनफल मतलब उनका गुणा करना। पहला सवाल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपका पहला सवाल है कि 2x प्लस 3 और उसमें कितने का गुणा करना है, 4x माइनस 5 का गुणा करना है। अब इनका गुणा कैसे करते हैं, आप सवाल करते हो अलजेब्रा के, बीजगणित के सवाल करते हो तो उसमें बीच में समस्या आ जाती है कि इनका गुणा किससे करें। तो बहुत ही आसान तरीके से आप गुणा सीख जाओगे, ध्यान से देखना। अपन ये दो पद हैं, यहाँ पे भी दो पद हैं, यहाँ x है और यहाँ भी x है और यहाँ चर है और ये चर है। मतलब यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि x y z वाली संख्याओं को अपन क्या लिखते हैं, चर, और गिनती के शब्दों को अपन क्या लिखते हैं, अचर। ये नॉर्मल आपको पता ही होगा कि ए बी सी डी के शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, चर, और गिनती के शब्दों को क्या बोलते हैं, अपन अचर बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 2x का इसमें पूरे में गुणा करना है और फिर प्लस 3 का इसमें पूरे पद में गुणा करना है। लिख लेते हैं एक बार, क्या लिखेंगे अपन, 2x लिखा और ये पूरा ऐसा का ऐसे उतार देंगे अपन, क्या जाएगा 4x माइनस 5। उसके बाद यहाँ क्या है, 2x ले लिया अपन ने, प्लस 3 का करेंगे तो प्लस 3, अब प्लस 3 लिखेंगे और 4x प्लस माइनस 5 का इसमें गुणा कर देंगे। अब गुणा करना है तो देखना, चर का चर में होता है और अचर का अचर में गुणा होता है। आपको पता है कि अचर का अचर में गुणा करेंगे संख्या का संख्या में गुणा हो जाता है, लेकिन चर में समान चर हो तो ही गुणा होता है, अन्यथा उनको ऐसा कि ऐसा ही लिख दिया जाता है। 2x का 4x में गुणा करेंगे अपन, तो 2 का 4 में हुआ तो आपका गया 8, और x का x में गुणा हुआ तो गुणे में घात जुड़ती है, इसकी घात 1 है और इसकी भी घात कितनी है, 1। तो समान आधार है x और x, तो इसका कितनी घात हो जाएगी, x से घात 2। मतलब x का अपन चर का x वाले चर का x वाले चर में गुणा करें, बस घातों को जोड़ दीजिए, चर वही रहेगा प्लस माइनस। अब 2x का 5 में करेंगे तो माइनस लगा दिया अपन ने, 2 का 5 में किया 10, यहाँ सिंपल x है तो अपन ने क्या लिख लिया, x लिख लिया। उसके बाद अपन 3 का करेंगे, प्लस 3 का, प्लस 3 का 4 में करेंगे कितना जाएगा आपका, 3 चुके 12 x माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब 3 का 5 में करेंगे आपका कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। अब जोड़ घटाव करना है आपको, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 12x है और यहाँ 15 है माइनस का, और यहाँ 8x² है। 8x² में अपन x² वाला पद नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसे लिख दिया अपन, क्या करेंगे 10x माइनस का, 12x प्लस का है, तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 12 प्लस की है, प्लस लिख दिया। 12x में से 10x से घटाएंगे, तो x से x मत काट देना, 12x में से 10x से घटा कितना बचा 2, और x से ऐसा कैसे लिखा जाता है ना। अब माइनस 15 ऐसा का उतार दिया, उसमें संख्या ही नहीं, आचर ही नहीं, ठीक। इस तरह से अपन क्या करते हैं, नॉर्मल गुणा किया जाता है बहुपद द्विपद का, ठीक। पहले अपन ने 2x लिखा और ये पूरा ऐसा कैसे लिख दिया, अगला कोष्टक, प्लस 3 लिखा और पूरा ऐसा कैसे लिख दिया, 2x का 4 में x में किया तो यहाँ पे 4 का 2 में 4, अचर का अचर में बहुत 8 होया, x का x में किया तो x² होया, माइनस लगाया अपन ने 2x का 5 में किया तो 10x होया, ऐसा कैसे अपन ने 3 चुके 12, 3 का x में किया तो x माइनस 3 5 है 15। अब यहाँ 2x 12x और 10x एक प्लस और एक माइनस है, यहाँ घात 2 वाला पद नहीं है तो अपन इसे ऐसा कैसे लिख देंगे, 15 भी अचर राशि एक ही है वो ऐसा कैसे लिखा। अब समान घात जुड़ती घटती है, तो यहाँ 12x और 10x माइनस x है दोनों में, तो ये घट गया कितना बचा 2x, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या है क्या, प्लस, प्लस का चिन्ह आ रहा है, ठीक। अब अपन दूसरा सवाल लेंगे, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल रहेगा आप लोगों का x माइनस 4 और 3y माइनस 6, x माइनस 4 और 3y माइनस 6। प्रथम स्टेप क्या रहेगी आपकी, x लिखा और ये उतार दिया 3y माइनस 6, उसके बाद अपन ने माइनस 4 लिखा और ये उतार दिया 3y माइनस 6। अब अपन इनका गुणा कर लेंगे, x का 3x में होगा, 3y में होगा, देखिए तो जाएगा यहाँ समान चर नहीं है 3xy, ठीक। माइनस x का 6 में हुआ तो 6x हो जाएगा, संख्या नहीं है कुछ भी, चर भी सेम नहीं है, तो वैसा किसी लिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस 4 का करेंगे तो चिन्ह बदलना है, ये 3 प्लस का है किस, माइनस का है किसका हो जाएगा, सॉरी प्लस का है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब 4 का 3 में करेंगे, 4 3 12, अब y ऐसा करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 4 का 6 में हुआ 6 चुके 24 आंसर। अब अपन क्या करेंगे देखना, यहाँ x y है, यहाँ x है और यहाँ y है, समान चर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसका यही आंसर खत्म। अब आगे ये जोड़ना हुआ कि यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये जुड़ेगा नहीं, अगर सेम होता चर तो जुड़ता घटता, ठीक।
आगे समझ में अपन करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दशमलव है, दशमलव से घबराना नहीं है, नॉर्मल गुणा हुआ होता है दशमलव का भी। तीसरा सवाल है आपका 2.5p - 0.5q, उसके बाद आपका है 2.5p + 0.5q, है ना, ये q है। अपन करेंगे 2.5p को 2.5 ऐसा इस लिख दो, ये 2.5p, ये पहला पद लिखा और दूसरा पद अपन ने क्या उत्तर लिया 2.5p + 0.5q प्लस, सॉरी यहाँ क्या है माइनस 0.5q। तो अपन क्या उतार देंगे भाई एज इट इज ऐसा कैसे 2.5p + 0.5q ये लिख लिया। अब गुणा करेंगे 2.5 का 2.5 में गुणा करना है, फिर p और p की तजा p की घात दो गई। अब आपको 2.5 का 2.5 में नहीं 25 का 25 में करना है, 25 का 25 में गुणा करने पे कितना आता आपका 625, है ना। अब यहाँ एक अंक बाद इसमें दशमलव और एक अंक बाद इसमें दशमलव, कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी, दो अंक बाद दशमलव लग गई। प्लस अपन 2.5p का 5 में करेंगे क्यू में, तो 25 पांच कितना होता है आपका 125। अब इसमें भी एक अंक ये और एक अंक ये, दो अंक बाद दशमलव गई, क्यू का पी में होगा तो पी और क्यू ऐसा कैसे लिख देंगे, है ना। अब माइनस 25 और दो अंक बाद आप दशमलव, दशमलव बाद जितने अंक उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अब क्यू का पी में गुणा करेंगे क्या जाएगा आपका पी क्यू, ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ है आपका माइनस। अब पांच का पांच में करेंगे तो 25 आया। अब यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, दो अंक बाद, लेकिन दो ही अंक है तो अपन एक और दो अंक बाद लगा के यहाँ का लगा लेंगे जीरो। क्यू का क्यू में गुणा होगा क्या जाएगा, क्यू की घात दो, आपका घात बढ़ जाएगी। अपन क्या करेंगे 6.25p², है ना, ये माइनस और ये प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस 1.25 और यहाँ भी 1.25, पी क्यू और पी क्यू सेम है तो आपका ये क्या कट जाएगा। अगर यहाँ चार सेम नहीं होता तो अपन इसे ऐसा इसे छोड़ देते, हल नहीं करते, लेकिन यहाँ भी पी क्यू और यहाँ भी पी क्यू है तो ये कट गया। माइनस आपका क्या बचा 0.25q की घात कितनी बची आपकी, दो। ठीक, आगे समझ में बहुत ही आसान होता है इस टाइप के उस दशमलव का, आपको दशमलव से नहीं घबराना है, संख्याओं का गुणा कर दीजिए नॉर्मल और दशमलव के बाद जितने अंक बाद दशमलव है उतने अंक बाद दशमलव लग जाती है। अब अपन करेंगे कौन सा सवाल, चौथा सवाल। अब चौथा सवाल है आपका कि a + 4b y + 5, यहाँ अलग चर है, यहाँ अलग चर है और यहाँ अलग चर, तीनों चर अलग है। अपन क्या करेंगे a लिखा और ये ऐसा कैसे लिख दिया y + 5, प्लस 4b लिखा और अपन ने y + 5 ऐसा कैसे लिख दिया। अपन गुणा करेंगे a का y में गुणा किया तो क्या गया ay, प्लस a का 5 में गुणा किया तो 5a, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखते जाओ। 4b का y में किया 4by, प्लस 4b का 5 में करेंगे तो संख्या तो है तो 4×5=20 और बी ऐसा का ऐसा ही। पांचवा सवाल है आपका घात है, तो ध्यान से देखना पांचवा सवाल क्या है, 2xy + 3y² इधर क्या है आपका 3xy - 2y² आपने को पता है वही नियम लगाएंगे अपन पांचवा सवाल है। 2xy लिखा पहला पद और इसे ऐसा कैसे उतार दिया 3xy - 2y². अब प्लस क्या करेंगे 3y² लिखा 3xy - 2y² अपन गुणा करेंगे 2xy का 3xy में, तो संख्या का संख्या में किया 2 का 3 में किया आपका कितना है 6, उसके बाद x का x में किया ये हो गया आपका x², y का y में किया ये हो गया आपका y², एक एक घात जुड़ गई। माइनस 2 का 2 में करेंगे अब 2×2=4 हो गया, x एक ही पद है छोड़ दो, भाई की घात एक है यहाँ पे और यहाँ कितनी है 2, तो गुणे में घात जुड़ जाएगी भाई की घात कितना गया आपके 3 आ गया। अब प्लस अब इनका गुणा करेंगे, ध्यान देखना 3 का 3 में किया आपका कितना गया 9, उसके बाद भाई का अब एक से तो एक ही है पद, यहाँ भाई की घात 2 और यह कितनी गई भाई की घात 3। माइनस अपन क्या करेंगे 3×2=6, अब भाई की घात 2 यहाँ पे और भाई की घात 2 यहाँ पे, गुणे में घात जुड़ गई कितनी हुई आपकी घात आपकी 4। ठीक, अब अपन क्या करेंगे ध्यान से देखना, इधर क्या साइड कर लेते हैं, 6x² y² ऐसा पद यहाँ पे दिख रहा है आपको नहीं है, इसे एडजेक्टिव ऐसा कैसे उतार दो 6x² y² ध्यान से देखना x y की घात 3 और x y की घात 3 सेम है, तो अपन क्या करेंगे ये प्लस और ये माइनस है तो आपका घट जाएगा, 9 में से 5 गया प्लस का 4, सॉरी 9 में से 4 गया प्लस का 5, क्यों बचा क्योंकि यहाँ 9 बड़ी संख्या है। अब इसे काटना नहीं है, इसे ऐसे का ऐसे ही उतारना है 8y की घात 3, उसके बाद माइनस 6y की घात आपकी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, बहुत ही आसान होता है बच्चों, सीख गए होंगे आप, ध्यान से समझना ए, इसको देखते हैं अपन ए पूरा ऐसा कैसे ये वाला पद उतार दिया और 4b लिख के पूरा ऐसा कैसे पद उतार दिया। ठीक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।